रेडियस पढ़ चुके हैं फॉर सिंपल क्यूबिक एंड एचसीपी. इन दोनों के लिए रेडियस का रिलेशन पढ़ चुके हैं बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ द एटम. एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ एटम दोनों के आंसर क्या आता है? सेम. आर इक्वल्स टू ए बाई टू, आर इक्वल्स टू ए बाई टू, दोनों की रिलेशन सेम. नेक्स्ट फॉर बीसीसी एंड एफसीसी. बीसीसी एंड एफसीसी के लिए पढ़ना है बट उससे पहले कुछ समझना होगा. क्या समझना है जरा देखते हैं इसको. उसका रिलेशन पढ़ने के लिए हमें दो डायगनल्स समझना है. एक होता है फेस डायगनल, एक होता है बॉडी डायगनल. वन इज फेस डायगनल, द सेकेंड वन इज बॉडी डायगनल. ओके, लुक, दिस इज आवर क्यूब. ये हमारा क्यूब है. ओके, और क्यूब का ये फेस, ये फेस है, ये फेस है, ये सारे सारे फेस है, ये सारे फेस है. ओके, तो अगर ये फेस मैं लेता हूँ, सपोज ये फेस लेता हूँ, ये फेस ले जाऊं, तो फेस ये हमारा एज लेंथ, दिस इज आवर एज लेंथ, ये हमारा एज लेंथ. ओके, और ये फेस के बीच से ये लाइन जो जाएगा, दिस इज फेस डायगनल. हमें पता है, हम मैथ्स में तो पढ़े ना, सिक्स सेवन क्लासेस में हम मैथ्स में पढ़े डायगनल. अगर ये स्क्वायर है, ठीक, अगर इसको ऐसे बीच से ले जाएंगे तो दिस इज व्हाट, डायगनल. तो ये हमारा डायगनल होता है. तो ये फेस डायगनल, ये फेस के बीच से जा रहा है, तो दिस इज फेस डायगनल. दो टाइप के डायगनल होते हैं. एक होता है फेस डायगनल, दिस इज द फर्स्ट डायगनल. फेस डायगनल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना. दिस इज फेस डायगनल, फेस के बीच से जा रहा है, पास हो रहा है, इसलिए बोलेंगे इसको फेस डायगनल. ओके, और एक होता है बॉडी डायगनल, सेकंड वन इज बॉडी डायगनल. बॉडी डायगनल क्या है समझो, अभी देखो यहां समझो, ये क्यूब है, ठीक है, दिस इज अ क्यूब. अगर सपोज कर लो ये, अगर हम इस पॉइंट, अगर इस पॉइंट और इस पॉइंट को कनेक्ट करते हैं, ऐसे कनेक्ट करते हैं, तो ये फेस के मिडिल से जा रहा है, फेस के सेंटर के मिडिल से जा रहा है, दिस देयरफॉर दिस वन इज व्हाट, फेस डायगनल. लेकिन अगर वो बॉडी के सेंटर के मिडिल से जाए, तो देखो इसके लिए मैंने कुछ हिसाब निकाला. लॉकडाउन चल रहा है, नहीं तो मैं क्लासरूम में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर भी मैं आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि अच्छे से समझा पाऊँ. ओके, लिसन, यहाँ पे मैंने एक होल मेक किया है, यहाँ पे एक स्टिक है. अगर मैं इस स्टिक को यहाँ से इंटर करता हूँ और इस पॉइंट को यहाँ से ये पोर्शन से निकालता हूँ, दिस पोर्शन, ये कॉर्नर से ये कॉर्नर. ओके, दिस इज आवर बॉडी डायगनल. देखो इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ, ओपन करके मैं दिखाता हूँ. दिस इज पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ द क्यूब, दिस इज पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ द क्यूब, से बॉडी सेंटर ऑफ द क्यूब. ये पोर्शन है, यहाँ से किया यहाँ पे पोर्शन है, तो दिस इज बॉडी डायगनल. तो दो टाइप का डायगनल है. अगर हम इस डायगनल को देखें, अगर हम इसको देखें, दिस इज, अगर हम इसको देखें, ये पोर्शन से इस पोर्शन को कनेक्ट करें, तो दिस विल बी आवर फेस डायगनल. लेकिन अगर इस एंड को इस एंड से कनेक्ट करें, तो दिस विल बी आवर बॉडी डायगनल. इसको बॉडी डायगनल बोलते हैं. देखो इसको एक और तरीके से समझते हैं. सपोज अभी जो भी हॉल में, रूम में, बेडरूम में, कहीं पे भी तुम लोग बैठे हो, ओके, सपोज ये मेरा हॉल है, दिस हॉल इज एकदम कंप्लीट, दिस इज क्यूबिक फॉर्म, ये क्यूबिक के फॉर्म है, क्योंकि ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है और ये जो पोर्शन है, बोथ आर इक्वल. तो दिस इज वन ऑफ द साइड, ये वन ऑफ द, सॉरी, दिस इज वन ऑफ द फेस. अगर उस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिला देंगे, तो ये जो डायगनल होगा, दिस डायगनल इज व्हाट, फेस डायगनल. दिस, क्योंकि दिस इज, दिस डायगनल इज पासिंग थ्रू द फेस, फेस सेंटर, ये फेस सेंटर से पास हो रहा है. लेकिन सपोज करो कि ये जो सीलिंग है, छत, छत का वो डायगनल, ओके, सीलिंग का जो वो पोर्शन डायगनल है, एंड दैट पोर्शन वो जो फ्लोर है वहां, वो कॉर्नर पे, अगर इन दोनों को ऐसे मिडिल से कनेक्ट कर दे, ये मिडिल से, तो दिस इज पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ द दिस हॉल. तो दिस हॉल, ये जो होगा, दिस पोर्शन, ये ऊपर से इस पोर्शन को कनेक्ट करेगा, दिस विल बी व्हाट, ये हमारा होगा बॉडी डायगनल. तो दो टाइप के डायगनल होते हैं. आई होप तुम लोग समझ गए होगे. दो टाइप के डायगनल होते हैं. एक होता है बॉडी डायगनल, एक, वन इज बॉडी डायगनल, बॉडी डायगनल, एंड वन इज फेस डायगनल. बाकी दोनों रेडियस समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. दो टाइप के डायगनल्स, एक बॉडी डायगनल, एक फेस डायगनल. तो जो थर्ड हम रेडियस रिलेशन निकालेंगे, थर्ड वन इज फॉर एफसीसी, एफसीसी के लिए निकालेंगे. तो हमें पता है फॉर एफसीसी क्या होता है, एटम्स आर प्रेजेंट एट द, अभी पहले सुनना, अभी लिखना मत, बिल्कुल भी मत लिखना, जस्ट लिसन ही, दिस इज एफसीसी. ओके, एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स इन एडिशन विद द फेस सेंटर. फेस सेंटर पे एटम्स प्रेजेंट है इन एडिशन विद द कॉर्नर. अच्छा, यहाँ पे एटम्स प्रेजेंट है कॉर्नर्स पे, तो ये कॉर्नर्स पे हमारे एटम्स प्रेजेंट है. ओके, और ये कॉर्नर्स पे एटम्स प्रेजेंट है. दिस लेंथ, ये जो लेंथ है, दिस इज एज लेंथ ए,
अब समझो यहां पे एक पॉइंट है जो डिफरेंशिएट करता है दिस फ्रॉम दिस सिंपल क्यूबिक. इन द केस ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल दे दिया था, ये जो एज लेंथ था दिस इज एज लेंथ, ये पोर्शन एज लेंथ है, तो यहां पे कॉर्नर्स पे एटम है और यहां पे भी कॉर्नर्स पे क्या है एटम है. ये दोनों एटम्स, बोथ एटम्स टच ईच अदर, ये दोनों एटम्स एक दूसरे को टच करते थे, तो यहां पे रिलेशन आर हो गया रेडियस, ये आर हो गया, तो टू आर इक्वल्स टू ए होता था. बट इन द केस ऑफ फेस एफ सी से ये एटम, ये जो कॉर्नर पे एटम है और ये कॉर्नर पे एटम, दे डू नॉट टच ईच अदर, ये एक दूसरे को टच नहीं करता है, तो ये डिस्टेंस यहां से यहां तक डिस्टेंस आर और ये डिस्टेंस आर, तो ए इज नॉट इक्वल्स टू टू आर क्योंकि बीच में ये गैप रह जाएगा, समझ में आया, बीच में ये गैप रह जाएगा. तो ऐसे हम लोग एज लेंथ के रिस्पेक्ट से हम लोग नहीं निकाल सकते, सिर्फ इसको निकालने से नहीं निकाल सकते हैं. इसमें टचिंग एटम्स कौन कौन से हैं, व्हाट आर दोस टचिंग एटम्स जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो दो समझ में आया, ये पोर्शन समझ गए. तो दिस इज एफ सी सी, दिस इज सिंपल क्यूबिक. इन द सिंपल क्यूबिक में क्या होता था, ये पोर्शन कॉर्नर्स वाले पोर्शन, कॉर्नर्स पे जो एटम्स है दे बोथ टच ईच अदर, वो एक दूसरे को टच करते हैं, तो वहां से रेडियस कैलकुलेट कर लेते हैं पानी से. बट इन द केस ऑफ एफ सी सी यहाँ पे रेडियस है, यहाँ पे रेडियस है, बीच में कुछ गैप रह जाएगा, ये एक एटम है, यहाँ पे एक एटम हो गया, बीच में दोनों के बीच में कुछ गैप है, एंड दिस इज एस, तो r प्लस ये समथिंग कुछ पोर्शन होगा विल बी इक्वल टू ए, बट ऐसे नहीं होगा. तो अभी देखो इसका रेडियस हम कैसे निकालते हैं, इसमें कैसे निकालेंगे कि यहाँ देखो फर्स्ट यहाँ पे फर्स्ट मेक अ क्यूब, ये क्यूब बनाओ, ये क्यूब बना, ये पोर्शन है, ये पोर्शन ठीक है, लेट इट बी ए, ये बी, ये सी और ये पोर्शन डी. ओके हमें पता है इन द केस ऑफ फेस सेंटर एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स इन एडिशन विद द फेस सेंटर, यहाँ पे जो टचिंग एटम्स है, जो एटम्स एक दूसरे को टच करते हैं, दे आर दिस, ये पोर्शन को, ये फेस को बाहर निकालो, ये फेस को बाहर निकालो. सपोज एक क्यूब है, क्यूब का एक फेस को बाहर निकालते हैं, सपोज एक क्यूब है, ये एक क्यूब है, इसके एक फेस को बाहर निकालते हैं, इसको एक फेस को बाहर निकालेंगे, बाहर निकाल के रखते हैं, तो वो उसका शेप कैसा आएगा, व्हाट इज दिस इन शेप, ये एक शेप कैसा है, ये पूरा एक क्यूब है, इसके एक फेस को बाहर निकाल के रखते हैं, तो ये स्क्वायर है, ये शेप में कैसा आएगा, इसके एक फेस को बाहर निकालेंगे तो बिल्कुल स्क्वायर. लूडो जो खेलते हैं, लूडो में जो डाइस होता है, डाइस इट्स अ क्यूब, उसका एक पोर्शन को बाहर निकालो, तो उसका एक फेस को बाहर निकालेंगे, तो दिस इज इन व्हाट विच शेप, ये हमारा स्क्वायर आएगा, दिस इज ए बी सी और ये पोर्शन क्या डी. यहाँ पे क्या है, दिस इज फेस डायगनल, ये हमारे जो जा रहे हैं ये फेस डायगनल, और यहाँ सेंटर पे, ये सेंटर पे एक एटम प्रेजेंट है, ये पोर्शन, यहाँ पे कॉर्नर पे एक एटम प्रेजेंट है, सॉरी ऑल द एटम्स आर सिमेट्रिकल, सारे एटम्स ऑलमोस्ट सारे एटम्स सेम होते हैं, सेम शेप के साइज के, ठीक है, और यहाँ पे एक एटम प्रेजेंट है, ठीक है समझ में. और दिस इज परपेंडिकुलर, दिस पोर्शन इज परपेंडिकुलर. अगर बीसी की बात करें, ये पोर्शन, तो दिस लेंथ इज व्हाट, ये लेंथ हमारा क्या होगा ए. अगर सी डी की बात करें तो ये लेंथ हमारा क्या होगा ए, और ये हमारा कैसा है परपेंडिकुलर. तो इन द ट्रायंगल, इन द ट्रायंगल बी सी डी, इन द ट्रायंगल बी सी डी, ओके बी डी, बी डी इक्वल्स टू आ जाएगा रूट ओवर ऑफ सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. अच्छा बी डी इक्वल्स टू, BD equals to CD, BC कितना है, CD कितना है, CD, CD is what, A, तो it will be A square plus BC कितना है, BC, BC के बीच में distance कितना है, A square, तो A square plus A square, BD equals to A square plus A square, 2A square, तो BD equals to A root 2, let it be equation 1, let it be equation क्या, 1, one more thing, ये हमारा एटम है, यहां पे भी एटम है, यहां पे भी एटम है, तो ये जो एटम है ये रेडियस कितना होगा आर, दिस विल बी अ स्मॉल आर, ये जो डिस्टेंस होगा, ये पोर्शन कितना आर, ये पोर्शन आर, क्योंकि ये कंप्लीट एटम है कि यहां पे सेंटर पे है, तो ये आर और ये आर, और यहां पे क्या था, सिर्फ ये पोर्शन आएगा रेडियस हाफ आर, और ये पोर्शन कितना हो गया आर, तो बी डी, बी डी इन टर्म्स ऑफ आर, आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, बी डी इक्वल्स टू, अगर देखें इट इज फोर आर, लेट इट बी इक्वेशन टू, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे, तो फोर आर इक्वल्स टू ए रूट टू, मीन्स वॉट आर इक्वल्स टू ए बाई ए टू, ए रूट टू बाई फोर, मीन्स वॉट आर इक्वल्स टू ए बाई टू रूट टू, तो फॉर एफ सी सी रेडियस इक्वल्स टू ए बाई टू रूट टू. ओके
तो इसको अच्छे से नोट करो, आई होप ये समझ गए होगे। फॉर एफसीसी यहां पे हम कॉर्नर्स के रिस्पेक्ट में नहीं निकाल सकते हैं, वी कैन नॉट कैलकुलेट विद रिस्पेक्ट टू दी एजेस, एजेस के रिस्पेक्ट में हम रेडियस नहीं निकाल सकते हैं। सिंपल क्यूब में एजेस में निकाल देते हैं क्योंकि यहां पे ये दोनों एटम्स एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। रेडियस तभी कैलकुलेट कर सकते हैं, रेडियस वी कैन ओनली कैलकुलेट व्हेन वी गेट दी टचिंग एटम्स, द एटम्स व्हिच आर टचिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड। ओके, इस केस में ऐसा नहीं हो रहा है इसलिए यहां पे नहीं निकलेगा, यहां पे हमें फेस फेस निकालना पड़ेगा। तो क्यूब है FCC के, फेस को बाहर निकालो, इसलिए मुझे फेस डायग्राम बताना पड़ा। ओके, ये सब चीजों को नोट करो, अच्छे से नोट करो। रेडियस इक्वल्स टू a बाय 2, ये ABCD था, ये डिस्टेंस a है, ये डिस्टेंस a है, ये r, ये 2r, ये r, सब ऐड करके ये सारा क्वेश्चन आ गया, ये एक ट्रायंगल हो गया, इन द ट्रायंगल BCD पोर्शन। ओके, तो r इक्वल्स टू a बाय 2√2। ओके, आई होप यू समझ गए होगे। नेक्स्ट क्लास हम पढ़ते हैं BCC। ओके, थैंक यू।